जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं। अब इसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? शादी कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। कितनी पॉजिटिव वाइब्स है इस घर में। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। यस यू ऋषि? सॉरी कौन? तो हुआ क्या अंकल? उस रात एक्सीडेंट में मुझे काफी चोट लगी। मैंने विक्रम के साथ शराब अपनी मर्जी से नहीं पी। उस रात वहां पर कोई और नहीं था। हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। इसीलिए तो सरहद पार रहकर हम देश की हिफाजत करते हैं और देश के मजनू कहलाते हैं। दोस्तों, आज मिशन मजनू से मजनू के कैरेक्टर से पर्दा उठ गया है कि आखिर सिद्धार्थ मल्होत्रा किस मजनू का रोल मिशन मजनू में कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी साल 1971 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में हिंदुस्तानी फौज ने 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध बंदियों की सबसे बड़ी संख्या है। इस युद्ध में न केवल पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर शर्म का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। इसी शर्म की वजह से पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करके हिंदुस्तान से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके मुल्क में मौजूद हमारे देश के जासूसों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। फिल्म मिशन मजनू की कहानी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, जासूसों की जिंदगी पर बॉलीवुड में कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है। किसी फिल्म में जासूसों की वास्तविक जिंदगी से परिचय कराया गया है, तो किसी में फैंटेसी के सहारे हाई ऑक्टेन एक्शन सीन करते हुए दिखाया गया है। इस कड़ी में राजी 2018, एजेंट विनोद 2012, रोमियो अकबर वॉल्टर 2019, एक था टाइगर 2012, टाइगर जिंदा है 2017 और मद्रास कैफे 2013 जैसी फिल्मों के नाम प्रमुख है। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी राजी को लोगों ने खूब पसंद किया था। इसमें आलिया भट्ट ने एक महिला जासूस सहमत के किरदार में धांसू अभिनय किया था। दोस्तों, मिशन मजनू के प्रोमो को देखने के बाद इस फिल्म और आलिया की राजी के किरदार की याद आ जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार मजनू आलिया भट्ट के किरदार सहमत से प्रेरित नजर आता है। दोस्तों, मजनू को सहमत का मेल वर्जन भी कहा जा सकता है। फिल्म की कहानी में भी कई समानताएं हैं, जैसे कि रॉय एजेंट अमनदीप अजीत पाल सिंह को मजनू कोड नेम के साथ पाकिस्तान भेजा जाता है, तो वहां जाकर दर्जी का काम वो करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, दोनों शादी कर लेते हैं। इस तरह मजनू वहां का स्थायी बाशिंदा हो जाता है। धीरे धीरे मिलिट्री अफसरों के घर जाकर जासूसी शुरू कर देता है। वहां से मिली सूचनाएं भारत भेजता है, जिसके आधार पर पाकिस्तान स्थित न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में पता चल पाता है। इसे समय रहते ही हिंदुस्तानी एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करके ध्वस्त कर देती है। लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि अंत में क्या, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। किस अंदाज में दिखे मजनू, किस तरह की लड़ाई है फिल्म में, क्या है फिल्म की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोस। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मिशन मजनू का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। इस फिल्म का टीजर अब रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में सिद्धार्थ के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आने वाली है। ये एक स्पाय थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों, फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के बाद की है। ये वॉर पाकिस्तान हार गया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के जासूस की भूमिका में नजर आएंगे। टीजर में सिद्धार्थ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कभी वो ट्रेन की खिड़की से कूदते हैं, तो कभी चलती ट्रेन के ऊपर उछलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, फिल्म में सिद्धार्थ के साथ रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। एक सीन में एक्ट्रेस वेडिंग आउटफिट में नजर आ रही है। टीजर
फाइटर प्लेन बॉम्ब ब्लास्ट और अंडर वाटर सीन से भरा हुआ है। यहाँ सिद्धार्थ दमदार डायलॉग बाजी करते दिखते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब एक शख्स उनसे कहता है बंदूक अपने साथ ले जाओ, सिद्धार्थ कहते हैं रख लो, मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग ही है। दोस्तों, शांतनु बागची द्वारा निर्देशित 1970 के दशक के कॉन्सेप्ट पर बनी मिशन मजनू में सिद्धार्थ एक भारतीय खुफिया एजेंट बने हैं जो पाकिस्तानी धरती पर एक सीक्रेट ऑपरेशन को लीड करते नजर आएंगे। दोस्तों, फिल्म 20 जनवरी 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इससे पहले सच्ची घटनाओं से प्रेरित ये फिल्म जून में स्क्रीन पर आने वाली थी। फिल्म में कुमुद मिश्रा, परमीत सेठी, शारिब हाशमी, मीर सरवर और जाकिर हुसैन भी हैं। दोस्तों, इससे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा थैंक गॉड में नजर आए थे। फिल्म सिनेमा घरों में खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसमें सिद्धार्थ के साथ अजय देवगन भी अहम रोल में थे। दोस्तों, तो आप बताइए कि आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है। फटाफट से अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं। अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? शादी कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। किस अंदाज में नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा? कब रिलीज होगी फिल्म मिशन मजनू? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी बिजी हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में। अभी उनकी पिछली फिल्म 10 थैंक गॉड कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, जिसमें वो अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आए थे। पर अब वो अपनी आने वाली फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसका नाम है मिशन मजनू। वैसे पिछले साल नवंबर में फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, जिसमें सिद्धार्थ ने बताया था कि इंडिया के सबसे बड़े ऑपरेशन के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। अब उनका एक और लुक रिवील हो चुका है, जिसमें वो एक जबरदस्त अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ इस फिल्म में रॉ एजेंट का किरदार निभाने जा रहे हैं। दरअसल एक ऑपरेशन को लीड करते हुए वो नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ केमिस्ट्री दिखाते हुए नजर आएंगी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, जो पाकिस्तान में बसी एक मुस्लिम गर्ल का किरदार निभाने वाली है। वैसे इन दोनों के फैंस बेहद एक्साइटेड हैं इन दोनों को एक साथ देखने के लिए। इसके साथ साथ फिल्म की रिलीज डेट को भी बताया गया है। ये खुशखबरी सिद्धार्थ ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद की एक तस्वीर शेयर करते हुए बताई है। इस तस्वीर में सिद्धार्थ गले में ताबीज पहनकर, आंखों में सुरमा लगाकर और हाथ में गन लेकर एक राउडी अंदाज में नजर आ रहे हैं। रिलीज डेट बताते हुए उन्होंने कहा, एक जाबाज एजेंट की अनसुनी कहानी 20 जनवरी 2023 को देखने मिलेगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शांतनु बागची, तो वहीं रॉनी स्क्रूवाला, अमार बुटाला और गरिमा मेहता बने हैं फिल्म के प्रोड्यूसर्स। अगर सिद्धार्थ के आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें मिशन मजनू के बाद धर्मा प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें वो दिशा पाटनी के साथ नजर आएंगे, जिसका नाम है योद्धा, जो अगले साल रिलीज होगी। तो ये खबर सुनने के बाद आप कितने एक्साइटेड हैं सिद्धार्थ का खतरनाक ऑपरेशन और अंदाज देखने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं। अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck?
से? प्लान तो वही है। किस अंदाज में नजर आ रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना? कैसा है इस मजनू का प्यार करने का तरीका? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। दोस्तों, हैंडसम हंग सिद्धार्थ मल्होत्रा और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना के फैंस इन दोनों की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि उनकी फिल्म मिशन मजनू अगले साल रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसमें बहुत कम समय बचा हुआ है। अब फिल्म का एक नया पोस्टर भी रिलीज किया गया है। वैसे ये पोस्टर देख कर ना फैंस का तो दिल ही खुश हो जाएगा। इस पोस्टर में सिद्धार्थ स्कूटर चलाते हुए नजर आ रहे हैं तो रश्मिका स्कूटर की बैक सीट पर बैठी हुई है और उन्होंने सिद्धार्थ को बड़े ही प्यार से पकड़ा हुआ है और दोनों के चेहरों पर एक प्यारी सी स्माइल है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए ये बताया गया कि इस मजनू का प्यार करने का और काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, इसीलिए उनकी जोड़ी सबसे अनोखी है। इस फिल्म में सिद्धार्थ निभा रहे हैं तारिक नाम का किरदार तो वहीं रश्मिका निभा रही है नासरी नाम का किरदार। वैसे इनकी जोड़ी देखने पर ना बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, अगर कहानी की बात करें तो इस फिल्म में हमें 70s का दौर देखने को मिलने वाला है और इस फिल्म की कहानी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जिसमें सिद्धार्थ बने हैं रॉ एजेंट और मिशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तान में रहने वाली नासरी यानी रश्मिका मंदाना से। ये ना फिल्म 20 जनवरी 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, तो आप जरूर देखिएगा और इसे एंजॉय करिएगा और हमें अभी के लिए ये बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं, अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? शादी कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। हाइप है नेशनल क्रश रश्मिका पे, आया पूरे देश का दिल। सिद्धार्थ को मिलेगी टक्कर। कहते हैं कि इंटरनेट एक ऐसी कमाल की चीज है जिसने सबकी जिंदगी बदल दी है। जहां एक समय ऐसा था जब छोटी से छोटी चीजों के लिए हमें करनी पड़ती थी इतना ज्यादा मेहनत, वहीं आज के समय में पूरा देश एक ही ट्रेंड को फॉलो करता है। यही वजह है कि इंटरनेट ने हर आदमी के लिए और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी अच्छे से बदल दिया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मिशन मजनू की। अब आप सोचेंगे कि मिशन मजनू फिल्म का इंटरनेट से क्या लेना देना, तो चलिए हम आपको बताते हैं। मिशन मजनू एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना जैसे बेहतरीन एक्टर्स के साथ एक बेहतरीन कहानी को हम सबके सामने लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि मिशन मजनू में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक रॉ एजेंट का किरदार निभाने वाले हैं और इनके साथ साथ रश्मिका मंदाना एक काफी एक्शन से भरपूर अवतार में देखने को मिलेंगी। जहां तक देखा जाए ये दोनों बातें ही एक फिल्म को हिट बनाने के लिए काफी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि फिल्म में रश्मिका मंदाना की वजह से फिल्म मेकर्स को होने वाला है फायदा। इंटरनेट की बदौलत रश्मिका मंदाना काफी समय से बन चुकी है नेशनल क्रश और पूरे देश के फैंस के दिलों पर छा चुकी है। रश्मिका इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली है और वो करेगी अपना डेब्यू सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे हंक के साथ, जो इंटरनेट की बदौलत जो फैंस रश्मिका मंदाना को पहले से ही पसंद करते हैं वो अभी से ही इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार ये बता भी चुके हैं कि उनके दिलों में है मिशन मजनू को देखने के लिए बहुत बेसब्री। अब देखने वाली बात ये है कि जहां रश्मिका का ये फैन बेस फिल्म को बना सकता है हिट, अगर सिद्धार्थ का फैन बेस भी इस फिल्म को देखने आए तो ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं बल्कि एक सुपर हिट फिल्म बननी तय है। अब आपको और हमको और इन दोनों ही एक्टर्स के फैन बेस को है बस मिशन मजनू फिल्म का इंतजार। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है।
इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगीशा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं, अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? प्रमोशन में कमी को करेंगे पूरा, बड़ी फिल्मों के चक्कर में रह गई मिशन मजनू पीछे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है पॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। ये बात तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि किसी भी फिल्म को बनाना कोई आसान काम नहीं है। अगर फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिल्म की एडिटिंग का काम शुरू होता है, एडिटिंग के बाद होता है फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम, चाहे वो फिल्म को अच्छी तरह से प्रमोट करना हो या फिर फिल्म के बारे में सबके मन में हाइप बढ़ाना। ये काम सबसे ज्यादा अहम और बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और यही वजह है कि फिल्म मेकर्स बड़ी बड़ी टीम को हायर करते हैं, लेकिन कभी कभी बाकी फिल्मों की वजह से या फिर एक्टर्स के ही बिजी शेड्यूल की वजह से हो जाती है गड़बड़ी, और ऐसी ही फिल्मों को झेलना पड़ता है नुकसान। लेकिन अगर फिल्म के डायरेक्टर और मेकर्स हों सही फैसला लेने वाले, तो ऐसे में वो फिल्म को किसी भी तरह के नुकसान से बचाते हैं, और लगता है कि ऐसा ही हो रहा है मिशन मजनू की टीम के साथ, जो कि एक बड़ी फिल्म होने वाली है। जाहिर सी बात है इसके लिए पोस्ट प्रोडक्शन या फिर उसके प्रमोशन के लिए भी बहुत बड़े प्लान थे, लेकिन जब भी फिल्म रिलीज होने के काफी करीब आती है तो इसके डेट्स को आगे बढ़ा दिया जाता है। कई लोगों का कहना था कि उस समय चाहे वो हॉलीवुड की फिल्मों की वजह से हो या फिर पैन इंडिया की फिल्मों की वजह से, लेकिन इस फिल्म की डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया ताकि इसकी मार्केटिंग और प्रमोशन में और ज्यादा समय दिया जा सके और इस फिल्म को उतना ही हाइप अप किया जा सके जितना ये फिल्म वैल्यू रखती है। आपको बता दें कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना डेब्यू करने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि इसे काफी बड़े लेवल पर मार्केट करना चाहिए। मिशन मजनू सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक देशभक्ति की कहानी है, जो रॉ एजेंट्स की मेहनत का जश्न मनाती है, जो हमारे देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अपने रास्ते से बाहर जाते हैं। और ये फिल्म सिनेमा का कमाल दिखाकर करेंगी हम सबको इम्प्रेस। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। बात करें मिशन मजनू की, तो आपको बता दे कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये जब भी थिएटर में आएगी क्या धमाका करेगी, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो फिल्म देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, और आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। अब इसी के साथ ही मैं रोहित नारवारा लेता हूं आपसे इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं, अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? क्या रश्मिका मंदाना कर रहे हैं विजय देवकोंडा को डेट, इस बारे में क्या बोली श्रीवल्ली, मिशन मजनू से कम मचाएंगी तहलका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जियार।
दोस्तों अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी फिल्म गुड बाय को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म से रश्मिका ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। फिल्म रिलीज होने के बाद एक्ट्रेस वेकेशन मनाने मालदीव निकल गई। फैंस को लग रहा है कि वो अपने रूमर बॉयफ्रेंड विजय देवकोंडा के साथ गई है, जिसके बाद से फैंस सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने विजय देवकोंडा के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू के दौरान रश्मिका ने कहा, मैं समझती हूँ कि लोग हमारे जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, जैसे कुछ वीडियो है जो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन विजय और मैं रियल में इस बारे में बात ही नहीं करते। हमारे पास 15 लोगों का ग्रुप है, हम एक्टर्स हैं, लेकिन हमारे लिए हर एक फ्रेंड उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें जमीन से जोड़कर रखता है। विजय के साथ अपने बॉन्डिंग के बारे में रश्मिका ने बताया कि एक्टर हमेशा मेरे लिए हमेशा से खड़े रहते हैं, मैं हमेशा से जानती हूँ उन्हें, मैं विजय को बहुत करीब से जानती हूँ। यही वजह है कि अगर मुझे इंडस्ट्री में कुछ भी पूछने का मन हो तो मैं जाकर उनसे ही पूछती हूँ। हम रियल में बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से चीजें शेयर भी करते हैं। रश्मिका ने आगे कहा, विजय की फिल्म लाइगर पर भी बात करती हूँ और ये उनके करियर की शुरुआत है बॉलीवुड में और उन्हें खूब सारा प्यार मिला। मैंने भी एक फिल्म की और मुझे भी प्यार मिला, तो हम दोनों अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। रश्मिका और विजय को तेलुगु फिल्म गीता गोविंदम जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी और डियर कॉमरेड जो कि 19 में रिलीज हुई, इन दोनों ही फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को खूब ज्यादा पसंद किया गया। इसीलिए सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम इन्हें और फिल्मों में देखें। इसके अलावा दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया जाता है, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते की खबरें उड़ने लगती हैं। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन श्रीवल्ली का मानना है कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं है और हम अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों आपको बता दें, शेरशाह एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आने वाली है रश्मिका मंदाना जल्द ही मिशन मजनू में। पहले से 10 जून 2022 को रिलीज किया जाना था, लेकिन पोस्टपोन कर दी गई रिलीज डेट और अब इस फिल्म को अगले साल तक ही रिलीज किया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा जब मिशन मजनू के जरिए सिद्धार्थ और रश्मिका एक साथ नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट को शांतनु बागची ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है, जिससे कि मेकर्स को काफी उम्मीदें भी हैं। मिशन मजनू की कहानी की बात करें तो 1970 के दशक में ये एस्टैब्लिश है। इस जासूस की कहानी को दिखाया जाएगा बड़े पर्दे पर, जहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा बनेंगे रॉ एजेंट। इस थ्रिलर फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा पाकिस्तानी धरती पर एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन की लीडरशिप करेंगे। बताया जा रहा है कि एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। पुष्पा फेम रश्मिका मंदाना हिंदी फिल्म जगत में डेब्यू करने वाली हैं। उनकी गुड बाय रिलीज होने जा रही है, जो कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ है। इसके अलावा पुष्पा 2 को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में है रश्मिका। जिस तरह से पुष्पा को सक्सेस मिली उसके बाद तो रश्मिका और भी ज्यादा सुपर डुपर हिट हो गई और उन्हें बॉलीवुड से भी कई ऑफर मिल रहे हैं। आपको बता दें, पुष्पा 2 के लिए कहा जा रहा था कि रश्मिका इस फिल्म में नहीं होंगी, श्रीवल्ली का कैरेक्टर मर जाएगा, लेकिन मेकर्स ने खुलासा किया कि बिना श्रीवल्ली के पुष्पा 2 तो है ही नहीं और श्रीवल्ली का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो दोस्तों, रश्मिका आपको पुष्पा 2 में भी कंफर्म नजर आएगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी है। हाल ही में कार्तिक आर्यन के साथ उन्होंने एक ऐड किया, नेशनल क्रश रश्मिका को कहा जाता है। इसी लगातार उनकी फैन फॉलोइंग तो बढ़ती जा रही है और लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में देखना चाहते हैं। उनकी क्यूटनेस के सभी दीवाने हैं। वहीं मिशन मजनू के सार यानी कि सिद्धार्थ की बात करें तो कियारा आडवाणी के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन की खबरों में रहते हैं। बीच में इनकी ब्रेकअप की भी खबरें सामने आई थी, लेकिन कहा जाता है कि करण जौहर ने सब कुछ सॉर्ट कर दिया और अब दोनों फिर से बहुत अच्छे रिश्ते में हैं और जल्द ही शादी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिशन मजनू का आपको है कितना इंतजार, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।
जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं। अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? शादी कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी मिशन मजनू? क्या रिलीज डेट को किया मेकर्स ने रिवील? बॉलीवुड के हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में जितना भी कहीं उतना कम है। इस आउटसाइडर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से एंट्री ली और अब वो सब के गुरु बन चुके हैं। वैसे कियारा आडवाणी के साथ शादी की चर्चाएं कब सच में बदलने वाली है, इसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर फिलहाल तो उनकी आने वाली मूवी मिशन मजनू को लेकर फैंस के मन में काफी सवाल है, जैसे कि ये मूवी कब रिलीज होगी। वैसे आप सब तो जानते ही हैं कि मिशन मजनू मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आने वाली है पुष्पा की श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना, और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं शांतनु बागची। अब इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इस मूवी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा और इसमें भी नेटफ्लिक्स को चुना गया है। मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो इस मूवी को 18 जनवरी 2023 को रिलीज करेंगे। इस बात को लेकर नेटफ्लिक्स के द्वारा जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की जाएगी। इस स्पाई थ्रिलर मूवी में रॉ का जबरदस्त मिशन दिखाया जाएगा। वैसे ये एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी है जिसमें पाकिस्तान में किए गए भारत के रॉ मिशन के बारे में बताया गया है और इस मिशन के लीडर बने हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। वैसे रश्मिका और सिद्धार्थ की फ्रेश जोड़ी के लिए ऑडियंस बेहद एक्साइटेड है और साथ ही साथ कियारा और सिद्धार्थ की शादी के लिए भी, जिसकी सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं। खैर कोई बात नहीं, वैसे हमारा ये हैंडसम मुंडा इंडस्ट्री में 10 साल तो पूरे कर चुका है और साथ ही वो अब इससे भी जबरदस्त किरदार निभाकर हमें आगे भी एंटरटेन करने वाला है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं सिद्धार्थ की इस मूवी के लिए, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। बाय बाय। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं। अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? शादी कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। स्क्रीन टाइम लगेगा किसके हाथ? रश्मिका करेगी फिल्म को लीड, सिद्धार्थ को मिल सकता है कम स्क्रीन टाइम। एक बात तो साफ है कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं हैं, और ऐसा हमने सिर्फ आम जिंदगी में ही नहीं देखा लेकिन फिल्मों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ पहले की फिल्मों में हमें एक्ट्रेसेस काफी कम रोल्स में देखने को मिलती थी और ऐसे बहुत कम किरदार होते थे जो कि एक एक्ट्रेस को अच्छी तरह से अपने टैलेंट को दिखाने का मौका दे। अक्सर फिल्मों में एक्ट्रेसेस को सिर्फ ग्लैमर के लिए ही रखते थे, लेकिन आजकल हमें ऐसी फिल्में भी देखने को मिल रही है जिसमें एक्ट्रेसेस एक से बढ़कर एक किरदार निभा रही हैं और फीमेल सेंट्रिक फिल्में भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी हो रहा है कि एक्ट्रेसेस को अपनी किसी फिल्म के बाद फिल्म के लीड एक्टर से ज्यादा मौका मिल रहा है अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसे सबके साथ नहीं होता है। ऐसी बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें ऐसा मौका दिया जाता है कि वो अपने टैलेंट को अच्छी तरह से सबके सामने दिखा पाए, लेकिन जब भी ऐसा टैलेंट उन्हें मिलता है तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं। और लगता है कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारी साउथ की लेटेस्ट सुपरस्टार रश्मिका मंदाना के साथ। जी हाँ, रश्मिका मंदाना हमें जल्दी दिखने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आने वाली फिल्म मिशन मजनू में। आपको बता दें कि ये फिल्म एक ऐसी कहानी को दिखाएगी जिसमें हमें रश्मिका और सिद्धार्थ दोनों ही एक्शन और बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेंगे।
सुनने में आया है कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना को एक बहुत अहम किरदार में देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है और साथ ही उनका किरदार भी कुछ ऐसा है जो सिर्फ उन्हें किसी ग्लैमर क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि उनके परफॉर्मेंस और उन्हें कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कास्ट किया गया है। रश्मिका ने हाल ही में आई फिल्म पुष्पा से अपनी एक्टिंग के टैलेंट से इंट्रोड्यूस तो करा ही दिया है, अब जब उन्हें एक ऐसी फिल्म में मौका मिल रहा है काम करने का जिसमें बहुत ही बड़ी ऑडियंस देखने को मिलेगी, तो ऐसे में वो हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी, ये बात तो पक्की है। रश्मिका के सभी फैंस जानते हैं कि रश्मिका चाहे किसी भी एक्टर के साथ काम करे लेकिन वो अपनी पहचान छोड़ना जानती है और यही देखने के लिए हम सबको इंतजार है इस फिल्म का। अब क्या ये फिल्म वाकई में होगी एक सुपरहिट फिल्म? कौन होगा इस फिल्म का लीडिंग हीरो? ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगीशा लेती हूँ आप सभी से इजाजत, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं, अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर व्हाट द फक। शादी कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके हीरो किसी फेवरेट हीरो की फिल्म अनाउंसमेंट होती है तो आप बहुत खुश होते हैं, मन में एक एक्साइटमेंट पैदा होती है, लेकिन उसके साथ ही जब कुछ दिन बाद हमें ये पता चलता है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि छोटे स्क्रीन यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है तो अंदर ही अंदर एक निराशा पैदा हो जाती है कि आखिर क्यों ही फिल्म बना रही है। OTT प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज है, बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे हीरो की फिल्म क्यों OTT प्लेटफॉर्म पर? मैं बात इसलिए अभी कर रहा हूं क्योंकि एक और फिल्म OTT प्लेटफॉर्म के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म का नाम है मिशन मजनू। जी हां, आप समझ गए होंगे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना स्टारर मूवी मिशन मजनू। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब ये फिल्म सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, ना कि सिनेमाघरों में। खबर है कि 18 जनवरी 2023 को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। हालांकि ऑफिशियली अभी ऐलान नहीं किया गया, उसके बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट होनी बाकी है। मिशन मजनू, जिसमें रश्मिका मंदाना और सिद्धार्थ मल्होत्रा पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। लोग सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखना पसंद करते हैं और रश्मिका मंदाना जो कि नेशनल क्रश है, ऑब्वियस बात है कि लोग बड़े स्क्रीन पर इन्हें देखना चाहेंगे। लेकिन ये फिल्म फाइनली अब रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर छोटे से फोन में आपके। मिशन मजनू जिसकी बात कर रहे हैं इसे डायरेक्ट किया है शांतनु बागची ने। जब फिल्म अनाउंस हुई थी तो लोग बहुत खुश हुए थे और सिद्धार्थ मल्होत्रा मतलब कि शेरशाह के बाद लोग उन्हें देखना चाहते हैं बड़े पर्दे पर। मुझे लग रहा है कि थैंक गॉड की वजह से ये फिल्म सीधे OTT डायरेक्ट प्रीमियर होगी नेटफ्लिक्स पर। देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ इन्हीं की बात नहीं हो रही, सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात नहीं हो रही, क्योंकि विकी कौशल की भी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी थिएटर में, वो भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन अब वो फिल्म भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म का नाम था, आप सभी को पता होगा, कि गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म से देखा जाए तो फैंस को बहुत उम्मीदें थी कि उनके फेवरेट हीरो विकी कौशल एक अलग कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे। अब हालांकि बॉक्स ऑफिस पर लगातार सभी की फिल्में फ्लॉप हो रही है, चाहे वो अजय देवगन हो, मास एंटरटेनर जिन्हें कहा जाता है, या जितने भी एक्टर सुपरस्टार बड़े बड़े हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, सभी की फिल्में धड़ल्ले से फ्लॉप हो रही है और इसी वजह से मेकर्स एक सेफ साइड लेकर चल रहे हैं और अपनी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर उनकी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी तो एक ठीक ठाक अमाउंट उन्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई कहानी कंटेंट में दम नहीं रहा तो जाहिर सी बात है कि फिल्म फ्लॉप होगी ही होगी। मिशन मजनू की बात करें तो अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि फिल्म का कंटेंट कैसा है, लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास बहुत सारी फिल्में हैं। सबसे पहले देखा जाए तो एक वेब शो है इंडियन पुलिस फोर्स, जिसको डायरेक्ट करेंगे रोहित शेट्टी। इसके अलावा देखा जाए जो सबसे खास मानी जा रही है फिल्म वो है योद्धा, जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना की बात करें तो हाल ही में उन्होंने गुड बाय से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अमिताभ बच्चन के बाद वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मिशन मजनू में नजर आने वाली है। वहीं अगर साउथ की बात करें तो पुष्पा 2 है उनकी लिस्ट में, वारिशु है जो कि एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, इसके अलावा थलपति के साथ भी वो अपना पहला मूवी करने जा रही है। वेल, अब देखना होगा कि रश्मिका मंदाना सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी को लोग OTT प्लेटफॉर्म पर क्या पसंद करते हैं,
कैसी होगी ये फिल्म, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको क्या कहना है ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर और जो फिल्में रिलीज हो रही है धड़ल्ले से उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं, अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? शादी कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। किस अंदाज में नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, कब रिलीज होगी फिल्म मिशन मजनू? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी बिजी हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में। अभी उनकी पिछले फिल्म थैंक गॉड कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, जिसमें वो अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आए थे, पर अब वो अपनी आने वाली फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसका नाम है मिशन मजनू। दोस्तों, वैसे पिछले साल नवंबर में फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया था कि इंडिया के सबसे बड़े ऑपरेशन के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। दोस्तों, अब उनका एक और लुक रिवील हो चुका है, जिसमें वो एक जबरदस्त अंदाज में, मतलब कातिल अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ इस फिल्म में रॉ एजेंट का किरदार निभाने जा रहे हैं। दरअसल एक ऑपरेशन को लीड करते हुए वो नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ केमिस्ट्री दिखाते हुए नजर आएंगी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, जो पाकिस्तान में बसी एक मुस्लिम गर्ल का किरदार निभाने वाली हैं। वैसे दोस्तों, इन दोनों के फैंस बेहद एक्साइटेड हैं इन दोनों को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए। इसके साथ साथ फिल्म की रिलीज डेट को भी बताया गया है। ये खुशखबरी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद की एक तस्वीर शेयर करते हुए बताई है। दोस्तों, इस तस्वीर में सिद्धार्थ गले में ताबीज पहनकर, आंखों में सुरमा लगाकर और हाथ में गन लेकर एक राउडी अंदाज में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रिलीज डेट बताते हुए उन्होंने कहा कि एक जाबाज एजेंट की अनसुनी कहानी 20 जनवरी 2023 को देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शांतनु बागची, तो वहीं रॉनी स्क्रूवाला, अमर भूटाला और गरिमा मेहता बने हैं फिल्म के प्रोड्यूसर्स। आपको बताते चलें कि अगर सिद्धार्थ के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, तो उसमें मिशन मजनू के बाद धर्मा प्रोडक्शंस का एक प्रोजेक्ट भी है, जिसमें वो दिशा पटानी के साथ नजर आएंगे, जिसका नाम है योद्धा, जो अगले साल रिलीज होगी। तो दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद आप कितने एक्साइटेड हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा का खतरनाक ऑपरेशन और अंदाज देखने के लिए, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। I promise you, my best men will be on the job. Una. Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. Ab ye fight teri maut se khatam hogi. Main uske liye jaan de sakta hu. Tu de sakta hai. Dua. जा रही है रश्मिका मंदाना की मिशन मजनू। कौन है साउथ का राउडी, किसे कर रही है रश्मिका डेट? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, साउथ में स्टारडम की चमक सालों से देख रही रश्मिका मंदाना अब बॉलीवुड में भी खास पहचान बना चुकी है। वहीं इन दिनों तो वो फिल्म पुष्पा की वजह से खासी सुर्खियों में है। पुष्पा द राइज फिल्म में जहां अल्लू अर्जुन की जमकर तारीफें हो रही है, वहीं रश्मिका मंदाना को भी काफी पसंद किया जा रहा है। उनके अब
अभिनय की भी जमकर तारीफें की जा रही है। साउथ में रश्मिका मंदाना बड़ा नाम है जिनकी लाइफ के बारे में फैंस ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, खास तौर से उनकी लव लाइफ के बारे में। तो अब आपको बता दें, रश्मिका मंदाना साउथ के राउडी को डेट कर रही है। जी हाँ, अब आप सोच रहे हो कि साउथ का राउडी कौन है, तो वो है वन एंड ओनली विजय देवरकोंडा। जी हाँ, सही सुना आपने, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना काफी समय से रिलेशनशिप में है, लेकिन अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, मीडिया के सामने कुछ भी आने नहीं देना चाहते, लेकिन इन दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है। वही रश्मिका मंदाना की बात की जाए तो साउथ से अब उन्होंने मुंबई का सफर तय कर लिया है और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू में वो नजर आने वाली है। ये फिल्म भी खासा चर्चाओं में है क्योंकि शेरशाह के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और फैंस उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जल्द ही इसकी रिलीज डेट का ऐलान किया जाएगा। हाल ही में खबर आई कि पुष्पा फिल्म की सफलता के बाद रश्मिका मंदाना ने अपनी फीस डबल कर दी। तो क्या आप वो लड़के हैं जिसका दिल टूट चुका है इस खबर से? तो क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि आप अपना दिल फेविक्विक से चिपका लें। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। I promise you, my best men will be on the job. Kuna! Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. Now this fight will end with your death. I can't give him your life. You can give him. Dua. मजनू की रिलीज डेट शेरशाह के बाद अब कौन सी कहानी से तहलका मचाएंगे सिद्धार्थ? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म मिशन मजनू की रिलीज डेट तय हो चुकी है। इस फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला की RSVP और गिल्टी बाय एसोसिएशन ने मिलकर बनाया है। ऐसे में ये फिल्म अब 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ी खबर को RSVP और गिल्टी बॉय एसोसिएशन का समर्थन करने वाली प्रोडक्शन हाउस ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर शेयर किया है। मिशन मजनू शांति बाक्षी द्वारा निर्देशित ये कहानी है जो कि दिलचस्प ढंग से पेश की जाएगी। 1970 पर आधारित है, जासूसी थ्रिलर है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एक रॉ एजेंट की भूमिका में है जो पाकिस्तानी धरती पर एक गुप्त ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा होता है। इस फिल्म के जरिए भारत की स्वीटहार्ट रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। अपनी इस फिल्म के साथ शांतनु बख्शी सिद्धार्थ और रश्मिका की नई जोड़ी को दर्शकों के लिए लेकर आने जा रहे हैं। वही खास बात ये भी है कि सिद्धार्थ की पिछली फिल्म शेरशाह और रश्मिका की धमाकेदार ब्लॉकबस्टर पुष्पा के बाद अब दोनों को एक साथ सिल्वर पर धूम मचाते हुए देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। रॉनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला और गर्मिमा मेहता द्वारा निर्मित इस फिल्म को परवेश शेख, असीम अरोड़ा और सुमित बथेजा द्वारा लिखा गया है, जबकि शांतनु बख्शी इसे निर्देशित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है मिशन मजनू का? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से रश्मिका ने पुष्पा से रिकॉर्ड तोड़ा और सिद्धार्थ ने शेरशाह से, अब ये दोनों की जोड़ी मिलकर मिशन मजनू से बॉक्स ऑफिस हिला देंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। I promise you, my best men will be on the job. Kuna! Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. Ab yeh fight teri maut se khatam hogi. Main uske liye jaan de sakta hoon. Tu de sakta hai. Dua. साथ
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा दमदार। जैसे कि सबको पता है कि रश्मिका और सिद्धार्थ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो थ्रिलर और एक्शन से भरपूर होने वाली है। और ट्विस्ट ये है कि एक रियलिटी फिल्म होगी जिसमें दिखाई देंगे एक एजेंट जो पाकिस्तान में जाकर मिशन सॉल्व करेंगे, और उसी मिशन का नाम है मिशन मजनू। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शांतनु बख्शी ने, जिन्होंने पहले भी ऐसी फिल्में बनाई हैं। तो देखते हैं इस बार क्या मसालेदार प्रस्तुत करेंगे वो सभी को। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट और दोस्त सतांशी कोठारी, और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इस फिल्म में साउथ स्टार है जिन्होंने अपनी क्यूटनेस और बेस्ट एक्टिंग से सभी का दिल जीता है, और स्पेशली साउथ इंडस्ट्री में जैसे कि भीष्मा, गीता गोविंदम, पुष्पा, डियर कॉमरेड और भी बहुत। बताते हैं आपको कि उन्होंने साउथ की बेस्ट फिल्में की है सभी बेस्ट एक्टर्स के साथ, और तो उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना रंग जमाना स्टार्ट कर दिया है। अब बॉलीवुड में तो उन्हें फर्स्ट टाइम देखा गया था पुष्पा में, एंड तभी से वो कुछ दिनों तक इतनी ज्यादा चर्चे में थी कि क्या बताए। देखा जाए तो उन्हें नाम कमाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है, लेकिन बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स की पार्टी में भी दिखाई देती है वो। अब इतना गर्मा गर्म माहौल रश्मिका ने क्रिएट किया है जिससे आने वाली फिल्मों में बड़ा मजा आएगा। इतना ही नहीं, उनकी बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स के साथ काफी फिल्में आने वाली है, जैसे कि अमिताभ बच्चन के साथ गुड बाय, फिर दिखाई देगी एनिमल जिसमें अनिल कपूर और बॉबी देओल साथ दिखाई देंगे, और वरुण धवन के साथ भी एक फिल्म आ रही है जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। चलो क्यूटनेस से तो दिल जीत गया, बट क्या बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी हमारी नेशनल क्रश? वैसे तो उन्होंने उनकी कई साउथ की फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, बॉलीवुड में भी ये कमाल करते हुए दिखाई देने ही वाली है जल्दी। वैसे तो सिद्धार्थ और रश्मिका दोनों भी बेस्ट स्टार्स है, एंड की पिछली मूवीज में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक तो किया ही था जिससे सभी का रंग रूप एकदम उड़ गया था और सभी फिल्मों को पीछे छोड़ा। अब उम्मीद है कि मिशन मजनू जो इन दोनों की पहली फिल्म साथ में है तो उसमें जीत और मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, रश्मिका क्यूट किरदार में ही भाई की सभी को या फिर टफ रोल भी सूट करेगा? देखते हैं आगे क्या क्या होगा। वैसे भी मेरी फिल्म के रिलीज होने पर ही पता चलने वाला है, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हम फिर लौटेंगे अपने अपडेट के साथ। थैंक यू। क्या ऐसी फिल्में पहले भी बन चुकी हैं? क्या मिशन मजनू का होगा इनसे कंपैरिजन? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड स्टूडियोज में। सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द अपनी अपकमिंग मूवी मिशन मजनू के साथ नजर आने वाले हैं। उनके फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर क्या मिशन मजनू से पहले ऐसी फिल्में बन चुकी हैं? क्या ये फिल्म नहीं है ओरिजिनल? चलिए आपको बताते हैं। अगर हम फिल्म मिशन मजनू की बात करें तो ये फिल्म के हिंदी स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है शांतनु बागची ने। इस फिल्म में मेन लीड एक्टर की बात करें तो इस फिल्म में हमें नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना। इन दोनों ने पहले कभी साथ में काम नहीं किया है, इसीलिए फैंस एक्साइटेड हैं इन दोनों को साथ में देखने के लिए। अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म एक अनटोल्ड ऑपरेशन के बारे में है जो पाकिस्तान में हुआ था, जिनमें हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा को एज ए रॉ एजेंट नजर आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड में पहले भी ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें हम कुछ ऐसी ही सिमिलर कहानियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि राजी, टाइगर जिंदा है, फोर्स टू, एजेंट विनोद और बहुत सारी। और फिर से सिद्धार्थ मल्होत्रा हमें उसी अंदाज में दिखाई देने वाले हैं। पर क्यों हो रहा है फिल्म का कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से? क्या फिल्म की स्टोरी है सिमिलर? चलिए आपको बताते हैं। हम आपको बता दें कि फिल्म की कहानी भले ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो, पर फिल्म की स्टोरी सेम नहीं है। जो फिल्में पहले आई हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, उनकी स्टोरी फिक्शन थी जिसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं था। पर इस फिल्म में हमें कुछ रियल इंसिडेंट देखने को मिलने वाले हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। उसी के साथ साथ फिल्म की स्टोरी भी काफ़ी डिफरेंट है, और इनिशियली तो फिल्म को कंपेयर ज़रूर किया जाएगा दूसरी फिल्मों के साथ। हम ये उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को ये फिल्म ज़रूर पसंद आए। क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
क्या है सिद्धार्थ की एक्टिंग जर्नी की कहानी, क्यों किया था फैंस ने इनको इतना पसंद। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू के साथ जल्द लौट रहे हैं। फैंस इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, पर आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या है उनकी एक्टिंग जर्नी, कैसे की थी उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत। चलिए आपको बताते हैं। अगर हम सिद्धार्थ के अर्ली लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, तब वो 18 साल के थे। 4 साल मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग छोड़ दी थी क्योंकि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने और कुछ बड़ा करने का सोचा, जिसके बाद उन्होंने 2009 में टेलीविजन सीरीज धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में एक छोटा सा रोल किया जिसका नाम था जयचंद। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए पर उन्हें कोई काम नहीं मिला। फिर 2001 में उन्होंने करण जौहर के अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, जिसके बाद करण को उसमें एक एक्टर नजर आया, इसीलिए उन्होंने अपनी 2012 आई सुपरहिट फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एज अ मेन लीड रोल दिया था। अगर हम उनके कमर्शियल सक्सेस की बात करें तो वो उन्हें फिल्म हसी तो फसी एक विलन और कपूर एंड सन्स से मिली थी, जिसके बाद उनकी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई। इसके बाद वो हम 2021 में सुपरहिट फिल्म शेरशाह में एज अ सोल्जर विक्रम बत्रा नजर आए और ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था। अब वो जल्द एक एक्शन थ्रिलर अंदाज में नजर आने वाले हैं अपनी फिल्म मिशन मजनू के साथ। पर क्यों किया था ऑडियंस ने सिद्धार्थ को इतना प्यार, क्यों हुए थे सिद्धार्थ इतने फेमस, चलिए आपको बताते हैं। इसका एक रीजन यही है कि वो एक एक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है, जिनके लिए उन्होंने बहुत सारा सोशल वर्क किया है, और क्योंकि वो इंडस्ट्री से नहीं है इसीलिए लोग उन्हें बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। उसी के साथ एक और कारण ये भी है कि उन्हें 10 साल के करियर में उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी नहीं की है, जिसकी वजह से उनकी एक अच्छी इमेज लोगों के सामने है। हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्में सारी सुपरहिट हों। कैसे लगते हैं आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। I promise you, my best men will be on the job. Kuna. Merciless assassin. Train killer. A true patriot. Ab ye fight teri maut se khatam hogi. Main uske liye jaan de sakta hu. Tu de sakta hai. Dua. और फिल्म में किसी इंडियन की रियल स्टोरी को देखकर ऑडियंस फिल्म से एकदम कनेक्ट हो जाती है। अभी रीसेंट में ऐसी बहुत सी फिल्में आ रही है जो अलग अलग जॉनर की रियलिटी फिल्म होगी, जिसमें से कुछ बाय थ्रिलर है तो कोई आर्मी वाली तो कोई बायोग्राफी है। तो दोस्तों, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट तांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म यानी कि एक रियलिटी फिल्म मिशन मजनू के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मिशन मजनू फिल्म सिद्धार्थ और रश्मिका स्टारर होने वाली है, जिसमें सिद्ध निभाएंगे एक स्पाई किरदार। इस फिल्म के बारे में कुछ ज्यादा चीजें सुनने तो नहीं मिल रही है, लगता है कि मेकर से एकदम हिडन जेम की तरह बाद में एक बड़ा धमाका करने वाले है। फिल्म तो होने वाली है एक रियल स्टोरी पर बेस्ड ऑन 1970s के टाइम में सेट की गई है। बस सिर्फ यही जानकारी है इस फिल्म से रिलेटेड। और हाँ, मेन बात बताना भूल ही गए कि ये फिल्म इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा फिर से उठाने वाली है, जो लास्ट उठा था कश्मीर फाइल्स और शेरशाह के वक्त। फिल्म तो काफी मीनिंगफुल और नॉलेजेबल है, बट स्टिल मेकर्स बाद में ऐसा कोई धमाका जरूर करेंगे और सस्पेंस वगैरह भी जरूर क्रिएट होगा। राज ही कश्मीर फाइल्स और तो शेरशाह जैसी फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया है। ये तीनों फिल्में भी काफी सेंसिटिव फिल्में रही है और इन फिल्मों से प्राउड मोमेंट भी क्रिएट हुआ है। बट इसमें से एक स्पाई फिल्म है तो एक कश्मीरी पंडित के मुद्दे पर है, और तीसरी सिद्धार्थ की है जो कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोग्राफी है। शेरशाह थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पाई थी, बट ओटीटी पर रिकॉर्ड ब्रेक धमाका जरूर मचाया है। और वही राजियन कश्मीर फाइल्स ने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड ब्रेक किया था थिएटर्स में,
और तो और सभी के मुंह से तारीफें भी सुनवाई थी। ये तीनों फिल्मों की कास्ट भी एक नंबर थी, बेस्ट कास्ट का अवार्ड मिल सकता है, इतनी बेहतर थी और शेरशाह में तो खुद सिख थे जो अब हमें मिशन मजनू में दिखाई देने वाले हैं। तो क्या ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी? फिल्म की बहुत अच्छी कमाई भी हो सकती है सिड और कास्ट को ध्यान में रखते हुए। आखिर में कास्ट ही तो है जो फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करती है। इन दोनों के साथ साथ शरीफ हाशमी और तो कुमुद मिश्रा भी है, तब चांसेस बहुत अच्छे है। अब फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि कास्ट सबको कितनी इम्प्रेस कर पाती है। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या लगता है कितनी कमाई हो पाएगी इस बार। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू। मैम, आई प्रॉमिस यू माय बेस्ट मैन विल बी ऑन द जॉब। कौन है? मर्सीलेस असासिन, ट्रेन किलर, ट्रू पेट्रियट। अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूं, तू दे सकता है। दुआ कैसा होगा वर्सेटाइल एक्टर कुमुद मिश्रा का किरदार? क्या हर रियलिटी थ्रिलर फिल्मों में वो नजर आते हैं? रियलिटी जॉनर वाली फिल्म में ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं कि हम वो बाद में भी याद रखते हैं और एक आध नहीं रहते हैं सपोर्टिंग रोल में, कई सारे होते हैं। कुछ कुछ को तो लोग ऐसे याद रखते हैं कि उनकी सभी फिल्में याद रहती है। आखिर में इस टाइप की स्टोरीज में वैसे भी बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वैसे ही फिल्मों में भी बताना पड़ता है, तभी लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और किसने क्या अच्छा बुरा किया है। तो बस कुछ फिल्मों के कलाकार ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम ऑलमोस्ट हर फिल्म में देखते हैं अच्छा बुरा रोल निभाते हुए। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मिशन मजनू फिल्म में हमें डैशिंग एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तो साउथ स्टार रश्मिका दिखाई देने वाले हैं। अब इसमें तो किसी का भी किरदार पता नहीं है, बट हाँ सिद्धार्थ का लीड रोल है तो हम गेस्ट कर ही सकते हैं। वो निभाएंगे एक इंडियन स्पाई का किरदार और उन्हें एक खास मिशन के लिए भेजा जाएगा पाकिस्तान। पर ये बॉलीवुड फिल्म है तो कुछ मेजर रोल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट हाँ लव एंगल तो जरूर होने वाला है सिद्धार्थ और रश्मिका के बीच में। अब इनके साथ साथ कुमुद मिश्रा और शालिब हाशमी की भी एंट्री होने वाली है। अब कुमुद मिश्रा को तो हमने काफी बार देखा हुआ है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमेडी या थ्रिलर फिल्मों में देखा है, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट हर रियलिटी फिल्मों में वो दिखते ही है। अब चाहे वो मसीहा का किरदार हो या फिर एकदम जबरदस्त विलन का, उनका रोल और एक्टिंग हमेशा हर फिल्म में रंग लाता है एंड महसूस नहीं होने देता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी रियल और नेचुरल एक्टिंग है उनकी। अब उन्होंने रियलिटी बेस्ड फिल्में तो की ही है, जैसे कि एयर लिफ्ट, एमएस धोनी, रस्तम, आर्टिकल 15। सभी फिल्मों में उन्होंने पॉजिटिव किरदार निभाया है और कुछ फिल्मों में उनके कैरेक्टर के कारण मदद भी हुई है और कुछ फिल्मों में खतरनाक विलन का किरदार निभाकर, जैसे कि सूर्यवंशी फिल्म में काम भी बिगाड़ा है। पर इन सब के बाद उन्होंने कभी कोई स्पाई फिल्म में हिस्सा नहीं लिया है। ये उनकी पहली फिल्म है जिसमें वो हिस्सा ले रहे हैं, बट इसमें वो विलन होंगे यानी कि पाकिस्तान के होंगे या फिर इंडिया के साइड होंगे, ये तो हमें फिल्म के रिलीज होने पर ही पता चलेगा। तो बस आप किस किरदार में देखना पसंद करेंगे उन्हें, हमें ये कॉमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि वो दोनों भी कैरेक्टर में एकदम जचते हैं एंड आने वाली कई ऐसी फिल्मों में नजर भी आ सकते हैं। तो बस रेडी रहिएगा इस अंडररेटेड एक्टर को बिग स्क्रीन पर देखने के लिए। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हम फिर लौटेंगे एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू। आखिर क्या रश्मिका देंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर? साउथ की हीरोइंस के लिए लकी है सिद्धार्थ। हेलो एंड वेलकम अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। यूट्यूब फिल्म इंडस्ट्री में हमें एक से बढ़कर एक फिल्में देखने को मिलती हैं, जो कि हमें बेहद अलग अलग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। हाल ही में हमने एक ऐसी एक्ट्रेस को देखा जिन्होंने अपनी पैन इंडिया फिल्म के साथ सबका दिल जीत लिया है और हमें अपनी अदाओं से लेकर अपने परफॉर्मेंस तक सबसे इम्प्रेस कर दिया है।
ये कोई और नहीं बल्कि हैं रश्मिका मंदाना, जो हमें देखने को मिली थी पुष्पा फिल्म में अर्जुन के साथ में। इतनी हिट फिल्म के बाद रश्मिका मंदाना आ चुकी हैं सबको काफी ज्यादा पसंद। हमें रश्मिका और भी कई एड में और सोशल मीडिया पर काफी बार देखने को मिली है। तो एक बात तो तय है कि रश्मिका का फैन बेस तो बन चुका है। अब उन्हें साथ मिल रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे हैंडसम हंक का उनकी आने वाली फिल्म मिशन मजनू में। आपको बता दें दोस्तों कि मिशन मजनू एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना एक साथ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देती हुई देखने को मिलेंगी। सिद्धार्थ जिन्होंने शेरशाह फिल्म में एक बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, अब अपने करियर के पीक में चल रहे हैं और कुछ ऐसा ही हाल है रश्मिका का भी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ ने इससे पहले भी साउथ की एक और एक्ट्रेस के साथ काम किया था, तो सिद्धार्थ अपने साथ लेकर आते हैं उनका लक। अब दोस्तों अब आप सोचेंगे कि किस लक की बात कर रहे हैं हम। आपको बता दें कि इससे पहले यारी फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा हमें देखने को मिले थे साउथ की एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के साथ में। इस फिल्म के बाद रकुलप्रीत को भी काफी ज्यादा बड़े लेवल पर फिल्में मिलने लग गई थी और वो काफी आसानी से ही फिल्म इंडस्ट्री में सेट हो गई थी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करके रश्मिका भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सेट हो सकती हैं और दे सकती हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को टक्कर। बाकी जितना हम जानते हैं रश्मिका को, तो वो अपने बेहतरीन अंदाज से सबका दिल जीतना तो जानती ही हैं। अब क्या मिशन मजनू जरूर बनेगी एक हिट फिल्म और करेगी रश्मिका के ये सारे इरादे पूरे, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मिशन मजनू फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, साथ ही इस फिल्म को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। अब जब ये फिल्म थिएटर्स में होगी रिलीज, तो देखते हैं क्या धमाका करेगी। दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज की अपकमिंग वीडियोज को। और हमारी आज की राइटर है सान्या। क्या मेथड एक्टिंग को कहेंगे बाय बाय, सिद्धार्थ को बदलना पड़ेगा प्रोसेस। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हमें ना जाने कितने ही एक्टर्स काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देते हैं। आजकल जब पैन इंडिया फिल्म का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में हमें हर तरह के एक्टर्स की फिल्में देखने को मिल रही हैं और यही वजह है कि ऐसी फिल्मों में हम सबकी एक्टिंग और सबके परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करना चाहते हैं। जब हमें कोई ऐसा एक्टर दिखता है जो अपनी फिल्म में फैंस को इम्प्रेस करने की काबिलियत रखता है, तो उस एक्टर को मिलती है सबसे एप्रिसिएशन। और अगर आखिरी बार हमें कोई ऐसा एक्टर देखने को मिलता है जिसने अपनी फिल्म से किया था सभी को इम्प्रेस, तो वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सबको याद ही होगी कि सिद्धार्थ ने अपनी फिल्म शेरशाह से किया था सभी को इम्प्रेस और इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी थी कि सब बन गए थे उनके दीवाने। अब उस फिल्म के बाद से सभी को इंतजार है सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली फिल्म का और ये इंतजार होगा खत्म उनकी आने वाली फिल्म मिशन मजनू के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मिशन मजनू में सिद्धार्थ एक रॉ एजेंट का किरदार निभा रहे हैं और इस बार वो अपने एक्टिंग प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा चेंज और ये देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ शेरशाह में हमने सिद्धार्थ मल्होत्रा को मेथड एक्टिंग करते हुए देखा था, तो वहीं क्योंकि मिशन मजनू एक ऐसी कहानी पर बेस्ड है जो कि फिक्शनल है, तो इस बार मेथड एक्टिंग के तरीके को आजमाने का मौका नहीं मिलेगा और यही वजह है कि इस बार हमें देखने को मिल सकता है उनका सबसे अलग अंदाज। आपको बता दें दोस्तों कि एक बात तो तय है कि जो एक ऐसी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, तो उससे हम एक और अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें सिद्धार्थ के साथ देखने को मिलेंगी रश्मिका मंदाना, जो खुद एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। तो जब ये दोनों बढ़िया एक्टर्स करेंगे स्क्रीन पे शेयर और हमें देखने को मिलेगी एक रॉ एजेंट की कहानी, तो क्या जादू छाएगा बड़े पर्दे पर, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश भी देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में रिलीज होगी, तो क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों अब आप हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. Who now? Merciless assassin. Train killer. A
ट्रू पेट्रियट। अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ। क्या सिद्धार्थ के फिजिक से बढ़ेगा पारा? कैसा रहा मॉडलिंग से एक्टिंग तक का सफर? बॉलीवुड में ऐसे काफी एक्टर्स हैं जिनके फिजिक जबरदस्त थे, एकदम माचोमैन जैसे। टाइगर श्रॉफ, सलमान खान, वरुण धवन, कई सारे एक्टर्स डोले शोले बनाकर नजर आते हैं। पर सिद्धार्थ मल्होत्रा, कार्तिक आर्यन, अक्षय कुमार की फिजिक को देख के लगता है कि एकदम माचोमैन है, वेल मेंटेन्ड है, ना ही एक्स्ट्रा ना ही कम। अब सिद्धार्थ उनकी एक्टिंग और फिजिक दोनों के लिए बी टाउन में है काफी मशहूर। तो देखते हैं किन फिल्मों में दिखने वाले हैं वो हमें। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिद्धार्थ हमें मिशन मजनू फिल्म में लीड हीरो के तौर पर दिखाई देंगे। अब ये उनकी सेकेंड रियलिटी बेस्ड फिल्म होगी जिसमें फिर से वो आर्मी ऑफिसर नहीं पर एक स्पाई एजेंट का किरदार निभाते हुए दिखेंगे। अब ये एजेंट का किरदार उन्हें पाकिस्तान की कुछ गलियों और मशहूर सिटीज में जाकर निभाना है। तो समझ लीजिए कि कितना टफ काम है ये। वो इंडिया की तरफ से मिशन निभाने जाएंगे जिसका नाम है मिशन मजनू, और इसी सोच से फिल्म का टाइटल भी वही रखा गया है। वैसे इसे ज्यादा खुलासा तो किया नहीं है मेकर्स ने, क्योंकि वो मजाक किरदार नहीं करना चाहते हैं और आखिर में सरप्राइज भी तो देना है उन्हें हमें। पर ऑडियंस को पूरा भरोसा है सिद्धार्थ पर और उनकी फिल्म पर। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट ही मॉडलिंग से किया था एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से डेब्यू किया था, और फर्स्ट फिल्म से ही एकदम फिट एंड फाइन नजर आने लगे थे। पहली ही फिल्म में उन्होंने शर्टलेस होकर अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट किया था, लड़कियां तो फिदा फिदा हो गई थी। तो तब से लेकर आज तक वो एक ही जैसे अवतार में दिखे है, यानी कि सेम स्टाइल एंड फिजिक। तो सोचिए जरा कितना मेहनत करते होंगे अपनी बॉडी को एकदम मेंटेन रखने के लिए। हाँ, पर इतने सालों में एक चीज का बदलाव जरूर दिखा है और वो पॉजिटिव बदलाव है, जो है एक्टिंग। इतने सालों में एक्टिंग के मामले में हर फिल्म में जबरदस्त चेंज दिखा है, और सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं पूरे इंडस्ट्री को ये बात रियलाइज हो चुकी है। मिशन मजनू के सेट पर भी सिद्धार्थ ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी बॉडी को शो ऑफ करने की। उनका वर्कआउट रूटीन भी पोस्ट किया एंड पैपराज़ी फोटोज द्वारा भी अच्छी खासी पिक्चर्स वायरल हुई है। पर उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी टफ एंड बोल्ड है, पर एक्शन भी तो सिद्धार्थ खुद कर रहे हैं और बता दे कई गुना डिफिकल्ट स्टंट करेंगे। मूवी की प्लॉट लाइन भी तगड़ी होने वाली है। आखिर में समझ आ रहा है कि मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है फिल्म को सुपर हिट बनाने के लिए। इसमें सिद्धार्थ के साथ साथ रश्मिका भी उनका लव इंटरेस्ट बनी दिखाई देने वाली है। अब वो एक्शन करते हुए दिखेगी या नहीं दिखेगी वो बताना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, पर पुष्पा फिल्म के बाद भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे इतनी अपडेट के साथ। थैंक यू। जिसके कारण हो सकती है ये फिल्म सुपरहिट? कैसी है शेरशाह श्रीविली की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री? दोस्तों, आप तैयार हो जाइए इस क्यूट सी अनोखी और चुलबुली जोड़ी का स्वागत करने के लिए। और ये जोड़ी है सिद्धार्थ और रश्मिका। जी हाँ, सही सुना है आपने, इन दोनों का फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन होने जा रहा है और दोनों दिखाई देंगे एक जबरदस्त रियलिटी थ्रिलर फिल्म में। इसे डायरेक्ट किया गया है शांतनु बख्शी द्वारा। अब ये फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है और बता दें काफी ज्यादा नजदीक है ये दोनों, तो एक्साइटमेंट को थोड़ा बरकरार रखिएगा। दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट से आप एकदम रूबरू रहे। तो यहाँ आज हम आपको बताएंगे कि एक्साइटमेंट अगर हो रही हो मिशन मजनू के लिए तो क्यों बरकरार रखे, पर ये फिल्म बहुत ही स्पेशल क्यों है। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी इस फिल्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है तो हर किसी की नजर डायरेक्टली इस क्यूट जोड़ी पर जा रही है। अब बॉलीवुड काफी आगे बढ़ चुका है। अब बात आती है मिक्स एंड मैच करने की, तो कास्ट दिखाते एकदम जबरदस्त और बहुत खास पेयर्स को उस वजह से हमने आजकल देखना भी पसंद किया है। अब बॉलीवुड एंड साउथ के पेयर अब काफी टाइम से चलते आ रहे हैं एंड हम बहुत से न्यू फेसेस देख रहे हैं। कुछ कुछ अच्छे लगते हैं तो कुछ कुछ नहीं अच्छे लगते हैं। इस फ्रेश जोड़ी को देखना सभी लोग पसंद कर रहे हैं और ये तो सभी का दावा भी है। अब दूसरा रीजन है कि इस कास्ट की ऑफ स्क्रीन जोड़ी काफी क्यूट है।
पर भी बॉन्ड काफी अच्छा है एंड रियल लाइफ में रैपर भी बनावट दिख रहा है। समझ लीजिए कि फिल्म में कितना अच्छा काम और बॉन्डिंग दिखाई देने वाला है। अब ये रीजन तो इनफ ही है कि क्यों इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन पर देखने के लिए झिझक नहीं होगी। अब रश्मिका थ्यारी साउथ की स्टार, बट यहाँ आके जब उन्होंने काम करने का तरीका और बाकी सब में अंतर देखा तो बस बहुत ही अकेला महसूस करने लगी। फिर आ गए हमारे शेरशाह, सिड ने उन्हें काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कराया, यहाँ तक कि डायलॉग डिलीवरीज में भी उनकी हेल्प की, क्योंकि रश्मिका के लिए एकदम से प्योर हिंदी बोलना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। तीसरा रीजन है कि ये फिल्म इंडिया ने कितना क्या सैक्रिफाइस किया है उस पर बेस्ड होगी, और वैसे भी ऐसी फिल्मों को देखकर सभी में देशभक्ति जागृती है, तो ऑब्वियसली जब ये रिलीज होगी तो अपने आप ही थिएटर हाउसफुल होने लगेंगे। और ऐसे रियलिटी बेस्ड मूवी में दम भी उतना ही रहने वाला है, और ये तीन प्राइम रीजन है फिल्म के हिट होने के। तो बस यही तीन खास रीजन है कि फिल्मों को हिट होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब सिद्धार्थ वाकई में एक जेंटलमैन है, एक रियल हीरो है और डाउन टू अर्थ पर्सन है। ऑब्वियसली उनमें भी देशभक्ति जगी होगी तभी आज ऐसी फिल्में कर रहे हैं और लोगों के सामने ला रहे हैं। और ट्रू इंडियन है वो, और तो और दिन बर दिन वो खुद को साबित कर रहे हैं कि वो कैसे और बेहतर हो सकते हैं और कितने बेहतर इंसान भी है। जब बी टाउन मैथ साउथ यानी कि शेरशाह रश्मिका का जिक्र इतना अच्छे से हुआ ही है तो क्या ही डाउट करना किसी पर, तो उन्होंने भी अपना 100% देने ही वाले है। तब आप हमें कॉमेंट्स में बताए कि क्या और रीजन हो सकते हैं कि ये फिल्म और हिट जा सकती है। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ये भी कॉमेंट्स में बताए। लाइक एंड शेयर जरूर करेगा इस वीडियो को और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिल लौटेंगे एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं, अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? शादी कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। कितनी पॉजिटिव वाइब्स है इस घर में। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। यस यू ऋषि? सॉरी कौन? तो हुआ क्या अंकल? उस रात एक्सीडेंट में मुझे काफी चोट लगी। मैंने विक्रम के साथ शराब अपनी मर्जी से नहीं पी। उस रात वहां पर कोई और नहीं था। सभी डिफिकल्ट स्टंट्स, कैसे खुद को साबित कर रहे हैं माचो मैन। धीरे धीरे सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रूफ कर रहे हैं कि वो डेडिकेटेड एंड टैलेंटेड एक्टर है इस इंडस्ट्री के, और तो अक्षय कुमार के दूसरे वर्जन भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एक्टिंग तो जबरदस्त है ही, बट फिल्म में चूज करने का स्टाइल भी अक्षय जैसा ही है। वो काफी स्मार्टली हर प्रोजेक्ट चूज करते हैं और तो एक्शन स्टंट्स में भी माहिर है, तभी तो पूरी इंडस्ट्री और ज्यादातर लड़कियां उन पर फिदा है। और फिर से एक बार हम इस चॉकलेटी बॉय को देखने वाले हैं उनकी अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू में, तो क्या आप एक्साइटेड है? तो दोस्तों बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशि कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिद्धार्थ की फिल्म में हमेशा से क्लासिक स्टंट होते हैं और वो स्टंट हॉलीवुड की फिल्मों के जैसे होते हैं। और एक बात बता दे, सिद्धार्थ फाइटिंग सीन्स करते हुए एकदम ही कमाल लगते हैं, किसी की नजर ही ऊपर नहीं जाती है। अब ये बात ओवररेटेड तो नहीं है, बट हाँ अगर लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब हर एस्पेक्ट में वाह वाह तो हो ही रही है, पर एक बात और बता देंगे तो चौंक जाएंगे आप लोग। भले ही वो बात कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, पर हाँ चटपटी जरूर है, और वो बात है कि सिद्धार्थ खुद के स्टंट्स खुद ही परफॉर्म करते हैं बाकी कुछ एक्शन सुपरस्टार्स की तरह। अब कोई एक आध फिल्म की बात नहीं चल रही है, उनकी हर फिल्म की बात चल रही है जिसमें उन्होंने स्टंट्स खुद के बलबूते पर निभाए हैं। अब आपने देखा ही होगा जेंटलमैन फिल्म में कैसे कैसे स्टंट्स थे वो उन्होंने खुद ही किए थे, और कई साल पहले की फिल्म मर जावा में भी आग में कूदने वाला स्टंट उन्होंने खुद ही निभाया था, जिससे मेकर्स तक शॉक हो चुके थे। वैसे तो हर एक गाइडेंस के अंडर ही होती है, बट उसे निभाना काफी मुश्किल होता है,
एंड इंस्टा पोस्ट वगैरह में हमने देखा है कि सिद्धार्थ खुद को तैयार करते हैं हर स्टंट परफॉर्मेंस के पहले, यहाँ देखिए खुद प्रैक्टिस करते हैं वो भी विदाउट कोरियोग्राफी। काफी कमाल की बात है ये तो। स्टंट खुद करते हैं तो इसका मतलब बॉडी डबल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी है। यहाँ तक कि शेरशाह में भी सब कुछ खुद ही निभाया था उन्होंने और आने वाली फिल्मों में भी खुद ही करने वाले हैं, जिसके कारण उन्हें काफी चोट भी लगी है पर उन्होंने काम नहीं छोड़ा। अब इस फिल्म में वो निभाएंगे एक स्पाई का किरदार और वो इंडिया की तरफ से खुद की बाजी लगाने वाले है। अब ये माचो मैन खुद को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रूव कर रहे है। अब उनकी मेहनत देख कर धनाधन सीटें तो बजने ही वाली है थिएटर्स में। शेरशाह के टाइम भी सीटें बजी थी और रुकी नहीं थी। तब इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है या सिर्फ को देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक अपडेट के साथ। थैंक यू। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं, अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर व्हाट द फक। शादी कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। छोटे फिल्म के लिए बड़ा ही ले, कहा हो रही है मेकर्स को दे, एडिटिंग करवाएगी पास या फेल। एक जमाना था जब कोई भी फिल्म में ढाई घंटे या तीन घंटे की ड्यूरेशन वाली देखने को मिलती थी, लेकिन आज के जमाने में कुछ चीजें बदल चुकी हैं, जिनमें से बदल चुकी है फिल्म की ड्यूरेशन, क्योंकि अब सबके पास समय भी कम है तो आजकल फिल्मों की ड्यूरेशन को भी कम कर दिया है और हमें ये दो घंटे में ही एक ऐसी कहानी दिखा दी जाती है बड़े पर्दे पर, जिसको लेकर हम काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये एक टैलेंटेड फिल्म मेकर का ही कमाल होता है जो कि एक कहानी को हमें दो घंटे में दिखाना जानते हैं और यही वजह है कि आजकल एडिटिंग पर काफी ज्यादा समय और पैसा लगाया जाता है। अगर कोई फिल्म सही तरह से एडिट की जाती है तो ऐसी फिल्म को देखने के लिए फैंस भी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और लगता है कि यही वजह है कि कुछ फिल्मों में एडिटिंग के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है बाकी फिल्मों से। लेकिन मेकर्स भी जानते हैं कि किसी भी फिल्म में एडिटिंग पर लगाया समय बहुत ही ज्यादा वर्थ होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्म की जो यूं तो बहुत पहले ही रिलीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज के समय में ये फिल्म काफी ज्यादा डिले से गुजर रही है क्योंकि फिल्म की एडिटिंग में काफी ज्यादा समय लग रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की आने वाले फिल्म मिशन मजनू की, जहाँ मिशन मजनू से रश्मिका मंदाना ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू करना था और वो किसी और फिल्म से डेब्यू करने वाली है क्योंकि मिशन मजनू के मेकर्स लगा रहे हैं एडिटिंग में बहुत ज्यादा समय, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिल्म इतनी अच्छी तरह से एडिट की जाए कि उनका क्राफ्ट सबके सामने दिखे। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जब ये फिल्म पूरी तरह से एडिट होगी तो ये बड़े पर्दे पर जो माहौल बनाएगी उसे फैंस देखना काफी ज्यादा पसंद करेंगे और ये रश्मिका के करियर को और भी ज्यादा आगे लेकर जाएगी, चाहे इन्हें इसके लिए करना पड़े थोड़ा ज्यादा इंतजार। जिस हिसाब से इस फिल्म की एडिटिंग को समय लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि फैंस की उम्मीदें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी के लिए हम भी कर रहे हैं मिशन मजनू का इंतजार। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगीशा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। I promise you, my best men will be on the job. Oh, no. Merciless assassin. Train killer. A true patriot. Ab ye fight teri maut se khatam hogi. Main uske liye jaan de sakta hoon. Tu de sakta hai. Dua. Rana!
क्यों डिले हो रही है मिशन मजनू? क्या सिद्धार्थ को भारी पड़ेगा सेम जॉनर की फिल्म लगातार करना? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और साथ ही साथ साउथ मूवीज के फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि रश्मिका मंदाना मिशन मजनू से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। मिशन मजनू की शूटिंग शेरशाह मूवी से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मिशन मजनू मूवी अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। मिशन मजनू के बार बार पोस्टपोन होने से मूवी को नुकसान भी हो सकता है। आपके मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा, मिशन मजनू की शूटिंग तो शेरशाह से पहले स्टार्ट हो गई थी, तो अभी तक मूवी रिलीज क्यों नहीं हुई है, राइट? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेकर्स मिशन मजनू की कहानी में मेजर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए मिशन मजनू मूवी अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। आपको बता दूं कि मिशन मजनू की स्टोरी इंडिया पाकिस्तान 1970 वॉर के इर्द गिर्द घूमती दिखेगी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा इंडियन मैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और रश्मिका मंदाना पाकिस्तानी गर्ल के कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। जस्ट लाइक सनी देओल गदर मूवी, सिद्धार्थ मल्होत्रा पाकिस्तान जाते हैं अपनी प्रेमिका यानी कि रश्मिका को लेने, पर जैसे कि बताया ऑडियंस ये स्टोरी ऑलरेडी देख चुकी है गदर मूवी में, तो शायद ऑडियंस दोबारा से सेम स्टोरी को मूवी देखने थिएटर में नहीं जाएगी। यही सोचकर मेकर्स कहानी में मेजर चेंजेस कर रहे हैं ताकि मिशन मजनू ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना पाए। पर यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा को लगातार एक ही जॉनर की मूवी करनी चाहिए? मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल की ऑडियंस को वैरायटी पसंद है और सिद्धार्थ लगातार वॉर बेस्ड फिल्म साइन कर रहे हैं, जैसे शेरशाह, मिशन मजनू और उनकी नेक्स्ट आने वाली फिल्म योद्धा, जिसमें वो एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। कहीं उन्हें लगातार सेम तरह की मूवीज करना भारी ना पड़ जाए। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड के रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान की रोमांटिक मूवीज को अब ऑडियंस ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। जबकि एक टाइम था ऑडियंस को शाहरुख की रोमांटिक मूवीज देखना काफी पसंद था, पर अब शाहरुख की रोमांटिक मूवीज ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है, जिसे देखते हुए शाहरुख ने अपना जॉनर चेंज कर लिया है, एक्शन मूवीज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें ऑडियंस उन्हें काफी पसंद कर रही है। ऐसे कहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ ना हो जाए, क्योंकि वो लगातार वॉर बेस्ड मूवी कर रहे हैं। कहीं ऑडियंस शाहरुख के रोमांटिक मूवीज की तरह सिद्धार्थ के पैट्रियोटिक मूवीज को ना पसंद करने लग जाए। आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं, अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? आखिर मिशन मजनू देगी किसको सलामी? इज्जत कहाँ रह गई थी बाकी? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। ये हमारा सिनेमा ही है जहाँ हम अपनी फिल्मों से ऐसी कहानियों को भी बड़े पर्दे पर दिखा सकते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ही कम पता होता है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। ऐसी ही फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते हैं लोग जिनके बारे में उन्हें कम पता है, क्योंकि जब ऐसी किसी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है तो उसके दिखाने के तरीके से कई बार ऑडियंस ऐसी भी कहानी देखना पसंद करती है जो आम तौर पर उन्हें पसंद ना आए, और लगता है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है आने वाली फिल्म मिशन मजनू के साथ भी। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना को पीरियड जासूसी थ्रिलर मिशन मजनू के लिए कास्ट किया गया है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म साउथ स्टार मंदाना की हिंदी फिल्म की शुरुआत है, जिन्हें कन्नड़ फिल्म अंजनी पुत्र तेलुगु शीर्षक गीता गोविंदम के लिए जाना जाता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और द स्काई इज पिंक जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले फिल्म निर्माता रॉनी ने मिशन मजनू के निर्माण के लिए अमर बुटाला और गरिमा मेहता के साथ कोलैबोरेट किया है। 1970 के दशक में स्थापित ये फिल्म पाकिस्तान के दिल में भारत के सबसे साहसी मिशन की कहानी दिखाती है, जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। मिशन मजनू का मोटिव गुमनाम हीरो के बलिदान और प्रयासों को श्रद्धांजलि देना है। ऐसे हजारों हीरोज हैं जो हमारे देश के हितों को अन्य आतंकी एलिमेंट्स और गलत देशों से बचाने के लिए बड़े पर्दे के पीछे काम करते हैं।
दोस्तों उनके काम पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है और मिशन मजनून के बलिदान और प्रयासों को सबके आगे लाने का एक प्रयास है। परवेज असीम अरोड़ा और सुमित की लिखी हुई थ्रिलर विज्ञापन फिल्म निर्माता शांतनु बागची के निर्देशन की पहली फिल्म भी है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब इन रॉय एजेंट्स के बारे में हमें एक कहानी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी तो ये काफी दिलचस्प होने वाला है। एक नए डायरेक्टर का नजरिया जो कि बड़े पर्दे पर अपना जादू दिखाएंगे, पहली बार तो ये देखना बहुत ही रिफ्रेशिंग होगा और इसीलिए दोस्तों फैंस को है मिशन मजनू का बेसब्री से इंतजार। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है और साथ ही इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश भी देखने को मिल रहा है। अब जब भी ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी तो क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव। मिशन मजनू के एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने किस फिल्म से की थी एंटरटेनमेंट की दुनिया में एंट्री? क्या मिशन मजनू को ना नहीं कहना चाहती थी रश्मिका? कैसे होंगी रश्मिका और सिद्धार्थ की फर्स्ट टाइम साथ काम करने की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आज मैं आपको देने आई हूँ एक ऐसी न्यूज स्टोरी जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या था रश्मिका हिंदी सिनेमा में कर रही डेब्यू एक्ट्रेस के मन में जब उन्हें आया फिल्म मिशन मजनू का ऑफर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही अपनी फिल्म मिशन मजनू के साथ आ रहे हैं जिन्हें डायरेक्ट किया है शांतनु बागची ने। शांतनु भी फिल्म मिशन मजनू की न्यूज के बाद से काफी सुर्खियों में नजर आए। इस हिंदी सिनेमा में रश्मिका ने पहली बार कदम रखा। इससे पहले 2016 में पहली बार स्टेप रखा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रश्मिका ने फिल्म किरिक पार्टी से। किरिक पार्टी एक कन्नड़ भाषित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जो यंग जनरेशन के कॉलेज लाइफ के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म कन्नड़ जनता को बहुत रास आई थी और ऑडियंस ने एक्ट्रेस को बहुत सारा प्यार भी दिया था। प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्र कर्ण को अपने कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा सानवी से प्यार हो जाता है। हालांकि एक दुखद घटना के बाद उसका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है और वो खुद को बदलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के इन बच्चों की कहानी आने के बाद से ही रश्मिका ने अपने फैन बेस तैयार कर लिया था। रश्मिका सिद्धार्थ के ऑपोजिट कास्ट किए गए रोल की तैयारी के वक्त कहती हैं, मुख्य रूप से मुझे बोली चुननी पड़ी। जब आप इस कैरेक्टर को जीते हैं तो चरित्र अच्छी तरीके से काम करता है, उनकी भावनाओं और उनकी दुनिया के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रिसर्च से अधिक मैं चरित्र को उसके दिमाग पर बसना चाहती हूँ। मैं खुद को इससे जुड़ा हुआ देखती हूँ और मुझे ये पसंद है जब लोग मुझे किसी कैरेक्टर के नाम से पुकारते हैं। एक तरफ मुझे पता होता है कि मुझे इस कैरेक्टर को किस स्पॉट पर रोकना है, लेकिन मैं इस चरित्र को जीना ज्यादा पसंद करती हूँ। अतिरिक्त रश्मिका ने मेंशन किया, जब उन्हें मिशन मजनू के लिए अप्रोच किया गया तो वो हर हाल में उसे करना चाहती थी। ऐसी फिल्म को वो ना नहीं बोलना चाहती थी जो उनके अंदर की खूबसूरती को और निखारने की कोशिश रखता था। फिल्म के लिए ऑफर आते ही रश्मिका बहुत एक्साइटेड थी और उन्होंने झट से हाँ कह दी। यूं तो फिल्म से ज्यादा डिटेल्स नहीं रिवील की गई है, पर ये बात तो है कि फिल्म से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक उसी तरह जैसे रश्मिका को अपने फिल्मी करियर की आगे की जर्नी के लिए इस फिल्म के सेट से बहुत कुछ सीखने को मिला। लॉकडाउन के चलते फिल्म मेकअप बागची ने कोई खास फैसला नहीं किया है, बट लॉकडाउन लिफ्ट होते ही सबसे पहले शांतनु मिशन मजनू की रिलीज डेट्स की डिस्कशन करेंगे। फिल्म से जुड़ी और भी कई फैक्ट्स बताएंगे हम आपको जल्द ही। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बने रहे हमारे साथ। आज की स्क्रिप्ट लिखी है भूमिका त्रिपाठी ने।
क्या क्या नया करते नजर आए मिशन मजनू के एक्टर लखनऊ की शूटिंग के दौरान। कौन से नए दो कलाकार डेब्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म से। क्या हुआ ऐसा लखनऊ पहुंचते जो सिद्धार्थ बहुत खुश हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्रेड स्टूडियोज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिशन मजनू मूवी से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना के शूटिंग के दिनों की बात करें, जब वो लखनऊ में आने वाली फिल्म मिशन मजनू के लिए शूटिंग कर रहे थे, तो लखनऊ में जहां शूट के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखते ही उनके फैंस ने भारी भीड़ जमा कर ली थी और सिद्धार्थ का स्वागत विसल और हूटिंग से किया। वहीं इन प्रक्रिया पर रेसिप्रोकेट करते हुए एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने फैंस की तरफ वेव करते हुए सबको सेफ रहने की सलाह दी। अपने फैंस का ये उमड़ता प्यार देख के सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी खुश नजर आए। वहीं शूटिंग के आसपास के समय में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक अलग अवतार में नजर आए, जहां वो एक पेड़ पे उल्टा लटके हुए थे। हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा एक लश ग्रीन ट्री पे अप्स एंड डाउन करते, जहां वो अपनी बॉडी को एक रस्सी के जरिए बैलेंस करते नजर आ रहे थे। ये देख के ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने इस एक्सरसाइज को काफी एंजॉय कर रहे थे। वही लखनऊ में सिद्धार्थ को हॉर्स राइडिंग करते हुए देख के लग रहा था कि वो इसे भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, अपनी फिल्म मिशन मंजू की शूटिंग के लिए लखनऊ पहुंचे कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लखनऊ में हॉर्स राइडिंग का सेशन लिया, जहां कुछ तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करते हुए नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, जहां उन्होंने अपनी फोटोज के साथ लिखा है, हॉर्सिंग अराउंड इन लखनऊ हैव अ लुक। वही आने वाली फिल्म मिशन मंजू की बात करें, तो जहां साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना मिशन मंजू से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही है, वही इस फिल्म से स्टार शरीफ हाशमी और कुमुद मिश्रा भी अपने बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। शरीफ हाशमी आने वाली फिल्म के लिए कहते हैं, मैं काफी खुश और थ्रिल फील कर रहा हूँ मिशन मंजू फिल्म का हिस्सा बन के, और मैं काफी उत्सुक था इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुन के। मैं काफी ऑनर भी फील कर रहा हूँ कि मुझे रॉ एजेंट्स के हार्ड वर्क हमारे देश के प्रति दिखाने को मिल रही है इस फिल्म के जरिए। वही बात कुमुद मिश्रा की करें, तो उनका कहना है, मुझे साल हो गया लखनऊ आए और कोई किरदार किए हुए, और अब इस प्रोजेक्ट ने मुझे वापस से इस सिटी में बुला लिया। मुझे काफी खुशी है कि मुझे ऐसे सिचुएशन में दर्शकों को कुछ दिखाने का मौका मिला, और मुझे काफी अच्छा लगा कि डायरेक्टर शांतनु बागची मुझ पे ऐसा विश्वास रखते हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाली फिल्म मिशन मंजू में ये दो कलाकार क्या नया दिखाते हैं। तब तक के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है इस फिल्म में ये नए कलाकार क्या नया मसाला डालते हैं फिल्म की स्टोरी में, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I promise you, my best men will be on the job. Who now? Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. Ab ye fight teri maut se khatam hogi. Main uske liye jaan de sakta hoon. Tu de sakta hai. Dua. मिशन
मजनू की तैयारी, क्या होने वाली है फिल्म की कहानी और खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका चार। दोस्तों, शेरशाह में कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए खासी तारीफें हासिल कर चुके सिद्धार्थ मल्होत्रा, मिशन मजनू में भी देश की रक्षा के लिए जान की बाजी खेलने वाले किरदार में नजर आने वाले हैं। फर्क बस इतना है कि मिशन मजनू में वो आर्मी जवान नहीं बल्कि पाकिस्तान में पहचान छिपाकर जासूसी करने वाले रॉ एजेंट के रोल में नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ का किरदार 70 के दशक में वहां रहकर पाकिस्तान के परमाणु परीक्षकों की जानकारी लीक कर रहा है और वो विफल कर देता है उन्हें। वहीं सिद्धार्थ ने 2 दिन पहले मुंबई में अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। जितेश डे ने बताया है कि इस फिल्म में रिक्रिएट पाकिस्तान भी अहम किरदार है और ये 70 के दशक का है। चुनौती इस बात की थी कि हमें ऐसा पाकिस्तान दिखाना था जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र बांग्लादेश और मलेशिया जैसा ना लगे। ऐसे में हमने तब के पाकिस्तानी वासियों के पहनावे, कल्चर, डिफरेंसेस सब कुछ रिसर्च किया। हमने लखनऊ में किसी एक मोहल्ले में शूटिंग नहीं की, अलग अलग लोकेशंस पर शूटिंग की। देखा जाए तो ऑथेंटिक पाकिस्तान नजर आए उसके लिए हम लखनऊ की एक और 80 किलोमीटर दूर तो दूसरी छोर 60 किलोमीटर दूर गए। इतनी गहन तैयारी इसीलिए की गई ताकि ऑडियंस के साथ पहले विजुअल का नाता जुड़ सके, उसके बाद उर्दू में संवादों और किरदारों के पहनावे यूज हुए हैं ताकि तत्कालीन पाकिस्तान फेक न लगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा शेरशाह पर तो एक्टिंग कोच ले गए थे मगर यहाँ सेट पर उनके और रश्मिका के लिए प्रोडक्शन की तरफ से डायलेक्ट कोच थे ताकि जो उर्दू है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, वो प्रॉपर उर्दू बोल पाए। शूट के ब्रेक में वहाँ सिद्धार्थ और रश्मिका का फेवरेट पास टाइम क्रिकेट खेलना था और दोनों ने अपने अपने गेटअप और मेकअप को भड़कीला नहीं बनने दिया। सिद्धार्थ का किरदार मुस्लिम बनकर पाकिस्तान में रहता दिखाया गया है। पठानी सूट, तौलिए, टोपी में वो नजर आ रहे हैं। आंखों में सुरमा भी है पर वो टिपिकल कमर्शियल फिल्मों वाला मुस्लिम युवाओं की आंखों में जो भारी भरकम सुरमा लगा देते हैं वैसा कुछ नजर नहीं आने वाला। मेकअप की टीम ने सिद्धार्थ का लुक रियलिस्टिक रखा है। फिल्म का एक्शन रवि वर्मा ने दिया है, शांतनु बख्शी ने इसे डायरेक्ट किया है। बहुत ही शानदार ये फिल्म होने वाली है। वहीं आपको बता दें सिद्धार्थ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी चर्चाओं में है। डीजे का वो रीमेक करने वाले हैं जिसे अल्लू अर्जुन ने साउथ में बनाया है। इसके अलावा हाथी मेरे साथी की राइटिंग पसंद ना आने के चलते सिद्धार्थ ने एक फिल्म ठुकरा दी। तो वही आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्मों के लिए वो चर्चाओं में है, जल्द ही धमाका मचाएंगे। आप कितना वेट कर रहे हैं फिलहाल मिशन मजनू का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा आजकल खासे चर्चा में हैं जब से उनकी फिल्म विक्रम बत्रा रिलीज हुई है। दोस्तों, विक्रम बत्रा को बहुत सफलता मिली है। फिल्म से हालांकि इतनी उम्मीदें नहीं थी लेकिन IMDb हो चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म, दर्शकों ने फिल्म को बहुत प्यार दिया है। फिलहाल खबरें हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म मिशन मजनू की भी शूटिंग पूरी कर ली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा RSVP और गिल्टी बॉय एसोसिएशन मीडिया के आने वाली जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू की शूटिंग पूरी कर ली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म में एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाएंगे जो पाकिस्तानी धरती पर भारत के गुप्त ऑपरेशन को नेतृत्व करते नजर आएंगे। फिल्म प्रोड्यूसर अमर बाटला ने कहा, इस चुनौतीपूर्ण समय में शूटिंग करने के बावजूद हमें बेहद खुशी है कि हमने सिद्धार्थ के हिस्से की शूटिंग अपने निर्धारित समय पर पूरी की है। सिद्ध के साथ काम करके बेहद खुशी हुई है और उन्होंने इस फिल्म को अपने तरीके से बेहद खास बना दिया है। गौरतलब है कि रोनू स्क्रूवाला, अमर बुटाला और गरिमा मेहता द्वारा डायरेक्टेड फिल्म मिशन मजनू को परवेश शेख, असीम अरोड़ा और सुमित बैटराज ने लिखा है और फिल्म मिशन मजनू को डायरेक्ट किया है शांतनु बागची ने। दोस्तों, फिल्म के बारे में आए दिन कोई ना कोई अपडेट आती रहती है जिससे पता चलता है कि फिल्म आने वाले समय में धमाल मचाने वाली है।
क्योंकि देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर से देश की सेवा करते नजर आएंगे। वेल, अब इंतजार रहेगा फिल्म के ट्रेलर का कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होता है। आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। मजनू की हीरोइन बन गई है नेशनल क्रश। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की क्यों बढ़ रही है फैन फॉलोइंग? क्या बॉलीवुड में भी अपने अभिनय का परचम लहराने को तैयार है रश्मिका? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपकी दोस्त और होस्ट मैं अनविता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और अब लेकर चलती हूँ आपको बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, निर्देशक शांतनु बागची की फिल्म मिशन मजनू एक स्पाई थ्रिलर है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। आज हम बात करेंगे फिल्म की लेट लेडी रश्मिका की, जो इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना अपने करियर के प्राइम फेज में चल रही हैं। देश की सभी मेजर फिल्म इंडस्ट्रीज से उन्हें ऑफर्स मिलते ही जा रहे हैं। तेलुगु और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में तो रश्मिका पहले से ही एक जाना माना नाम है, एक बड़ी स्टार है, पर अब निकल पड़ी है वो लंबी उड़ान भरने। बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने के साथ उन्होंने बॉलीवुड की भी दो फिल्में साइन कर दी हैं। ये सारे ही पहलू साबित करते हैं कि रश्मिका इस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं। आपको बता दें कि देश भर में रश्मिका की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि उनके फैंस प्यार से उन्हें नेशनल क्रश भी बुलाने लगे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर रश्मिका की पिंक टॉप और व्हाइट स्वेट पैंट में कुछ तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। इसके साथ ही तस्वीरों में उनके ट्रेंडी क्लासेस ने भी सभी का दिल चुरा लिया। अब इस क्यूट प्लस हॉट लिक्स को देखकर भला कौन रश्मिका का दीवाना नहीं होगा, इसलिए नेशनल क्रश का टाइटल उनके लिए काफी सटीक है। दरअसल ये फोटोज इंस्टाग्राम पर रश्मिका द्वारा डाले गए एक वीडियो की ही स्नैपशॉट हैं। अभिनेत्री इस वीडियो में कोविड-19 से राहत की दिशा में काम कर रहे एक ऐप का प्रचार कर रही थी। वैसे सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि रश्मिका की एक्टिंग स्किल्स भी कमाल की हैं। तो बॉलीवुड में भी अपने अभिनय का परचम लहराने को तैयार हैं रश्मिका। हम सब भी उनको मिशन मजनू के साथ फिल्म गुड बाय में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बॉलीवुड की नई खबरों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसाते हुए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बॉलीवुड हॉलीवुड और टॉलीवुड की मजेदार जानकारी के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. Who now? Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. Ab ye fight teri maut se khatam hogi. Main uske liye jaan de sakta hu. Tu de sakta hai. Dua. आखिर कब रिलीज होने जा रही है सिद्धार्थ की मिशन मजनू? क्या होने वाली फिल्म की खास बातें? क्या सिद्धार्थ कियारा से करने वाले हैं शादी? हेलो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, सिद्धार्थ और कियारा जब से उन्होंने शेरशाह की है तभी से उनकी हर जगह चर्चाएं हैं, उनकी केमिस्ट्री को इतना ज़्यादा पसंद किया गया है और सभी को पता है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, लेकिन कभी मीडिया में खुलकर इन्होंने इस बारे में बात नहीं की, तो ये अभी रूमर ही कहा जा सकता है। लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री को जब लोगों ने पर्दे पर देखा तो ये तय हो गया कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, क्योंकि जो केमिस्ट्री निखर कर आई है उसको देखकर लगता है कि ये वाकई एक दूसरे के प्यार में है और फैंस भी चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द शादी कर ले। इसीलिए सिद्धार्थ से लगातार ये सवाल पूछा जाता है कियारा से कि आप लोग कब शादी करने वाले हैं। तो फाइनली अब सिद्धार्थ ने इस पर अपना कमेंट दिया है। सिद्धार्थ से जब पूछा गया कि आप कियारा से शादी कब करोगे, उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा और इस बारे में अभी कुछ भी मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और इस बात से उन्होंने ये भी डिनाई नहीं किया कि हमारा कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों रिलेशनशिप में तो ज़रूर है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कियारा भी सिद्धार्थ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डालती रहती हैं। वहीं इन दोनों की केमिस्ट्री को वाकई बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। विक्रम बत्रा की लव स्टोरी जब दिखाई गई थी कियारा के साथ यानी कि डिम्पल चीमा के साथ, तो वो जो केमिस्ट्री थी लोगों ने सोचा कि ये जो रियल लाइफ में दिख रहा है वो वाकई रियल लाइफ में भी होना चाहिए। वहीं सिद्धार्थ की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो मिशन मजनू में वो नज़र आने वाले हैं और बहुत ही उम्दा ये फिल्म होने वाली है। इसके अलावा वो थैंग ऑन में नज़र आएंगे। मिशन मजनू की बात करें तो उसका शूट अब वो शुरू करेंगे और अगले साल तक इसे रिलीज़ किए जाने का प्लान है। मिशन मजनू में वो रश्मिका मंदाना के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगे और वहीं इसी फिल्म के साथ रश्मिका का बॉलीवुड डेब्यू होने जा रहा है। रश्मिका साउथ की सुपर एक्ट्रेस है और अब बॉलीवुड में धमाका मचाने को तैयार है। अगर कियारा की बात करें तो उनकी भी फिल्मों की लाइनें हैं, वो भूल भैया 2 में नजर आने वाली है, कार्तिक आर्यन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। और कियारा अडवाणी शशांक खेतान की नेक्स्ट फिल्म में भी नजर आने वाली है जिसमें वो विकी कौशल के साथ नजर आएंगी और इसके अलावा जुग जुग जियो में भी वो नजर आएंगी। यानी कि कियारा के जो सितारे चल रहे हैं वो भी साथ में आसमान पर चल रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है लोगों को और चाहते हैं कि दोबारा ये साथ दिखे। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कि इन दोनों को शादी करनी चाहिए और कितना वेज है मिशन मजनू का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। जबरदस्त होगा फिल्म मिशन मजनू का म्यूजिक। सिद्धार्थ मल्होत्रा की प्लेलिस्ट क्यों है ब्लॉकबस्टर? दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर्स अपनी एक्टिंग के साथ अपने डांस स्टाइल ट्रेंड्स और स्वैग के लिए भी चर्चा में रहते हैं। इसके साथ ही एक्टर्स कुछ ऐसे एवरग्रीन गाने दे जाते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर सालों के लिए छप जाते हैं। निर्देशक शांतनु बागची की फिल्म मिशन मजनू के लीड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी फेमस गाने देने की लिस्ट में अपना नाम शामिल करा चुके हैं। आज के यंग आइकन गैली बॉय सिद्धार्थ मल्होत्रा म्यूजिक को अपनी बॉलीवुड यात्रा का हिस्सा बना चुके हैं। चाहे फिल्मों के गाने हो या म्यूजिक वीडियोस, इस एक्टर के पास अपनी रोमांचक प्लेलिस्ट है। अपनी पहली ही फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से सिद्धार्थ ने बेहतरीन संगीत देने का सिलसिला शुरू कर दिया था। रोमांटिक ट्रैक्स हो या पेपी डांस नंबर्स, हर तरह के गानों को सिद्धार्थ अपने अमेजिंग लुक्स के साथ जस्टिफाई कर ही देते हैं। जहां सिद्धार्थ कर गई चुल और काला चश्मा जैसे गानों पर हमें नचा चुके हैं, तो वहीं जहन से और तेरी गलियां जैसे गानों से उन्होंने हमें प्यार करना भी सिखाया है। और अगर प्यार में दिल टूटा है तो बोलना और तेरी खैर मंदी जैसे गानों ने हाथ थामकर हमें संभाल भी लिया है। अपनी बॉलीवुड प्लेलिस्ट के अलावा अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जी म्यूजिक कंपनी के एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया जो रात और रात एक
हिट वीडियो साबित हो गया। अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा के गाने सुनने लगे तो ये प्लेलिस्ट आपका मूड यकीनन सेट कर देगी। यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के कारण सिद्धार्थ के गाने म्यूजिक कंपोजर्स के लिए फायदे का सौदा साबित हुए हैं। जिस एक्टर के गानों की प्लेलिस्ट ऐसी ब्लॉकबस्टर हो, उससे उम्मीद है कि मिशन मजनू के गाने भी जबरदस्त होंगे। फिलहाल अभी ये तय नहीं हुआ है कि इस फिल्म का संगीत किस दिग्गज के हिस्से आएगा, लेकिन स्पाई थ्रिलर और रोमांस का मिश्रण होने के कारण फिल्म में संगीत भी कुछ हटकर ही दिखाना होगा। म्यूजिक का लेवल कैसा है, कई बार ये फिल्म का हिट लेवल भी डिसाइड करता है। तो मिशन मजनू को अपने म्यूजिक को भी हाइट पर पहुंचाना है, टीम को ये बात ध्यान रखकर काम करना होगा। मिशन मजनू की म्यूजिक की अपडेट्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस फिल्म के गानों के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसाते हुए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। I promise you, my best men will be on the job. Who now? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. Ab ye fight teri maut se khatam hogi. Main uske liye jaan de sakta hoon. Tu de sakta hai. Dua. जा रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल एक बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैनल पे अगर आप नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बात करेंगे मिशन मजनू की, जिसकी रिलीज डेट का अनाउंसमेंट आज ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मिशन मजनू जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, इसमें उनके अपोजिट रश्मिका मंदाना होने वाली है और पहली बार ऐसा होगा जब सिद्धार्थ और रश्मिका स्क्रीन शेयर करेंगे। रश्मिका नेशनल क्रश उन्हें कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस और टॉलीवुड में इनकी धाक है। और अब क्योंकि इतनी बड़ी फिल्में उन्होंने टॉलीवुड में कर ली है तो बॉलीवुड भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है रश्मिका से और अपनी फिल्मों में लेने के लिए उतारू है रश्मिका को, तो इस फिल्म में भी वो जलवा दिखाने को तैयार है। फिल्म की रिलीज़ की बात करें तो RSVP मूवीज़ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये जानकारी दी और कहा है कि 13 मई 2022 को तैयार हो जाइए और एक बहुत ही बड़ी कहानी लेकर आएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ ये कहानी होगी जब पाकिस्तान अपने सबसे बड़े अवैध परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अंजाम देने के लिए अपनी जिद पे लगा था तो भारत ने किस तरह से पटरी से उतार दिया था पाकिस्तान को, ये कहानी दिखाई जाएगी। किस तरह से सीक्रेट एजेंट चला था और इस फिल्म में सिद्धार्थ भी एक रॉ एजेंट होने वाले हैं, तो इसीलिए आप पोस्टर में भी देख सकते हैं कि बहुत ही इंटेंस उनका लुक लग रहा है, बहुत गंभीर लग रहे हैं। हाथ में उन्होंने फ़ोन और रिसीवर पकड़ा हुआ है, कुछ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमने यहाँ तक देखा है कि जब भी ऐसी कहानी हमें दिखाई जाती है तो बड़े ही शौक से उसे देखते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं। जब बिग स्क्रीन पर भारत द्वारा की गई किसी भी बड़ी पहल और बड़ा जो हमला होता है उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं जब बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाया जाता है और जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ चीज़ों, क्योंकि आज भी माना जाता है कि भारत को जो बड़ा दुश्मन है वो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में आपने देखा होगा किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, तो एक बार फिर से एक कहानी लेकर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। वैसे ही बहुत अच्छी इस वक्त मेंटेन किए हुए अपना हाइप और अभी उनकी जो मूवी आई थी शेरशाह उससे बहुत ज़्यादा तारीफें उन्होंने बटोरी है कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल करके। एक बार फिर से इसी तरह का रोल में देखने के लिए पब्लिक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उन्हें। तो 13 मई 2022 को आप भी तैयार हो जाइए, इस फिल्म की रिलीज होने वाली है वो भी थिएटर में बिग स्क्रीन पर। आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। शादी और श्राद्ध दोनों कराते हैं।
मिशन मजनू के बाद क्या रश्मिका ला रही है और बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, कौन है उनकी नेक्स्ट हिंदी फिल्म का को-स्टार और कौन से बॉलीवुड सॉन्ग से मचा दिया रश्मिका ने इंडियन सिनेमा में बवाल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं फिल्म मिशन मजनू से जुड़ी कुछ बेहतरीन अनसुने किस्सों के बारे में। तो फिल्म मिशन मजनू ने पहली बार साउथ इंडस्ट्री की नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका दिया। और वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को तो सिर्फ राह दिखाने की ज़रूरत होती है, उसके आगे की मंजिल तक वो खुद ही पहुंच जाते हैं। ऐसा ही किस्सा है अभिनेत्री रश्मिका की फिल्म जर्नी को लेकर भी। फिल्म मिशन मजनू से अपना डेब्यू दिया रश्मिका ने देखते ही देखते आगे की हिंदी फिल्मों के लिए साइन होना शुरू हो गई हैं वो। आपको बता दें कि बात खूबसूरती की हो या फिर एक्टिंग की, दोनों में ही रश्मिका अव्वल नंबर पर है। रश्मिका मंदाना निसंदेह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बहुचर्चित अभिनेत्रियों में से एक है। वह मिशन मजनू में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद वह मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ एक अन्य प्रोजेक्ट गुड बाय का भी हिस्सा बनने वाली है। गुड बाय एक आगमीय भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो विकास बहल द्वारा लिखित और निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। आपको बता दें कि फिल्म में बिग बी और रश्मिका मेन लीड में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही नीना गुप्ता भी इस फिल्म में मेजर हिस्सा बनने वाली है। मिशन मजनू की अभी डेट भी फिक्स नहीं हुई। ऑडियंस ने इनकी एक्टिंग और अदाकारी अभी परखी भी नहीं कि दूसरी फिल्मों के ऑफर्स रश्मिका के हाथ में है। रश्मिका के फैंस अभी इस न्यूज़ का जश्न मना ही रहे थे कि अभिनेत्री ने हाल ही में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक और प्रोजेक्ट की ओर संकेत दिया। जी हाँ, ये सच है। हाल ही में पुष्पा की शूटिंग के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत में रश्मिका ने अपने तीसरे प्रोजेक्ट को साइन करने के बारे में बताया। दरअसल आपको बता दें कि कुछ समय पहले रश्मिका अल्लू अर्जुन के साथ पैन इंडिया प्रोजेक्ट पुष्पा फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में थी। शूटिंग के बीच उन्होंने ब्रेक लिया और इंस्टाग्राम पर लाइव गई। उनके तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा तब हुआ जब इंटरेक्शन सेशन के दौरान एक फैन ने उनके अन्य बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, मैं दो बॉलीवुड फिल्में कर रही हूँ और जल्द ही मैं तीसरी फिल्म साइन करूँगी। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही सभी बेहद खुश हो गए हैं कि लगातार बॉलीवुड टाउन में रश्मिका को विटनेस करने का मौका मिलने वाला है। फिलहाल तो मिशन मजनू में हमें पता चलेगा कि क्या वाकई बॉलीवुड में रंग जमा पाने में सक्सेसफुल रहती है रश्मिका या नहीं। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करने की अपॉर्चुनिटी मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। मिशन मजनू में कैसे अवतार में नजर आती हैं रश्मिका मंदाना, इसके लिए फिल्म का वेट करना होगा। खैर, अभी हाल ही में अभिनेत्री बादशाह के साथ टॉप टक्कर में नजर आई थी। सॉन्ग कुछ टाइम में ही बहुत बड़ा हिट साबित हो गया था। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि एक्शन बेस्ड फिल्म में कैसे एक्सप्रेस करती है खुद को रश्मिका। फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीग्रास स्टूडियोज को। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है भूमिका त्रिपाठी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।